मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से ईडी के अधिकारी रिमांड पर लेने के बाद आज पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ के दौरान बीच में दोपहर 2 बजे के करीब सहायक जो थे निजी सचिव है आलमगीर आलम के, उन्हें लेकर ईडी के अधिकारी झारखंड मंत्रालय भी पहुंचे। झारखंड मंत्रालय में कई दस्तावेजों को खंगाला है, कई फाइलों को खंगालने का काम ईडी के अधिकारियों ने किया है। बता दें कि संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ पूर्व में भी कई मंत्रियों के निजी सचिव जो है पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और लंबा इतिहास उनका है, लेकिन जिस तरह से सोमवार को ईडी की दबिश संजीव लाल समेत उनसे जुड़े ठिकानों पर पड़ी तो लोग भौचक रह गए। किस तरह से एक नौकर के ठिकाने से, वो भी ऐसे जगह में फ्लैट था जहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में रकम रखे गए होंगे। तो 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद जो संजीव लाल के नौकर हैं जहांगीर आलम, उनके ठिकानों से बरामद किया गया था। इसके अलावा कई जेवरात और कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े दस्तावेज और कई जो सरकारी चिट्ठी भी बताई जा रही है कि उनके ठिकाने से मिले थे। तो सवाल अपने आप में खड़ा होने लगा कि आखिर एक पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के ठिकानों पर इतनी बड़ी रकम और इन तमाम दस्तावेजों को होना अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस मामले में जैसे ही रेड ख़त्म हुई तो ईडी की ओर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कल कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद फिर जो 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन 6 दिनों की रिमांड पीएमएलए कोर्ट से ईडी को दी गई है। इस दौरान अब रिमांड पर लेकर जहांगीर आलम और संजीव लाल से लगातार जो इंट्रोगेशन है वो चल रही है। एक सवाल इस बीच में तमाम लोगों के जहन में घूम रहा है कि क्या जिस तरह से संजीव लाल की गिरफ्तारी हुई है या जहांगीर की गिरफ्तारी हुई, तो इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम कि क्या मुश्किलें बढ़ सकती है और क्या हो सकता है। तो संभवतः जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से नोटों की बरामदगी हुई है और ठीक 35 करोड़ रुपए से अधिक जब बरामद होते हैं, उसके बाद दस्तावेज बरामद होते हैं, दोनों की गिरफ्तारी होती है और इन पैसों का सोर्स खोजने की कोशिश ईडी की ओर से की जाती है, और इस दौरान फिर दूसरे दिन की बात कर ले तो कई ठेकेदार और कई इंजीनियर और कई लोगों के यहाँ दबिश ईडी की देखी गई। इस दौरान फिर नोटों के जो पहाड़ है वो देखने को मिले। करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक राजीव कुमार जो थे ठेकेदार हैं पैसे से, उनके ठिकानों से मिले। मेकोन के नाम से, मेकोन वाटिका के नाम से एक अपार्टमेंट है सिंह मोड़ में, वहाँ पर ईडी की बड़ी टीम पहुँची। तो वहाँ भी जैसे ही पहुँचे तो कई दस्तावेज मिले और सबसे बड़ा चीज़ जो था रकम, नोटों के बंडल उनके आवास से भी निकलने लगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद तो यही लगता है, और जिस तरह से सूचना, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही कि तमाम जो पैसे हैं वो रिश्वत के पैसे हैं और 3% का जो रिश्वत सेट था उन तो उसी पैसों से मोटी रकम जो है वो जमा की गई थी और इकट्ठा की गई थी। तो अगर बात कर ले राजीव कुमार, जिस तरह से उनके ठिकानों पर जब दबिश पड़ी 2 करोड़ रुपए से अधिक नगद मिले, तो वहाँ से भी सूचना मिली कि उन्होंने भी पैसा जो था संजीव लाल मंत्री के पीएस थे, सेक्रेटरी थे, तो उन्हें दी गई थी और करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। तो इसके अलावा आखिर जो 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद और जेवरात है तो यह किसके थे और कौन कौन से लोग इस पूरे खेल में शामिल थे और कहाँ कहाँ से पैसे संजीव लाल तक पहुंचाए गए थे, इसकी तलाश करने में ईडी के अधिकारी लगे। और इनसे जुड़े तमाम सवाल जो है संजीव लाल और फिर जो उनके नौकर हैं जहांगीर, जिनके आवास से पैसे बरामद हुए, उनसे तलाशने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से जब झारखंड मंत्रालय ईडी के अधिकारी उन्हें लेकर पहुंचे तो कई जानकारी थी कि कई फाइलों से जुड़े मामले हैं, कई लेन देन से जुड़े मामले, तो संभवतः कुछ वहाँ से भी जो दस्तावेज है वो ईडी के अधिकारी साथ लेकर आए हैं, क्योंकि करीब 1 घंटे से अधिक समय झारखंड मंत्रालय में संजीव लाल का जहां पर ऑफिस था वहां पर बिताया और तमाम चीज़ों को खंगालने का काम किया है। तो इससे तो साफ है कि आने वाले दिनों में मंत्री आलमगीर आलम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये तमाम लोग जुबान खोलेंगे कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से और जूनियर इंजीनियर थे और ठेकेदार थे जिन्होंने रकम पहुँचाई और फिर यह रकम आगे कहाँ पहुँचने वाली थी, तो इन सवालों का जब जवाब मिलेगा तो एक बड़ा खुलासा आने वाले दिनों में झारखंड में होगा। लेकिन अगर हाल की बात कर ले तो 2023 में याद होगा कि वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर थे ग्रामीण विकास विभाग के, उनके ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी और
वहां से भी करोड़ों के जेवरात, नगद और लग्जरी गाड़ियां जो थी वो बरामद की गई थी। और इसके बाद से ही ईडी लगातार जांच कर रही थी और एक पत्र भी जो ईडी की ओर से है मुख्य सचिव को झारखंड सरकार के लिखा गया था कि बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार ग्रामीण विकास विभाग में हो रहा है, इस पर रोकथाम लगाया जाए। लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा अलग तरीके से किस तरह से भ्रष्टाचार के पैसों को इकट्ठा करना है, खपाना, उसकी रणनीति तैयार कर पैसों को दूसरे जगह नौकर और अन्य जो करीबी लोग हैं वहाँ इकट्ठा करें। और इसी की बानगी जहांगीर आलम के आवास पर छापेमारी के दौरान दिखी। जहांगीर आलम की बात कर ले तो जहांगीर आलम स्कूटी से चलता था, लेकिन उसके पास रकम जब थी तो बड़े से बड़े जो करोड़पति थे वो भी भौचक थे कि आखिर इतना पैसा तो उनके आवास और घरों में भी मौजूद नहीं मिलेगा जितना एक नौकर के ठिकानों से मिला। तो इस सवाल का जवाब भी तलाशने में लगातार ईडी कर रही कि आखिर जहांगीर आलम के पास पैसा कैसे कैसे पहुंचा, वह पैसा कहां से लेकर आता था। जो शुरुआती जांच में जानकारी मिली कि तमाम पैसे जो थे संजीव लाल के कहने पर जो जहांगीर है वो तहसीलदार था और रिश्वत के थे, जिस तरह से टेंडर किसे देना है तो उसके एवज में जो रकम लेती थी तो उन रकमों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी जहांगीर के पास थी। लेकिन इसके बाद यह पैसा कहां जाता था, और यह पैसा फिलहाल बताया जाता है कि वह जो आवास था किशोरगंज चौक के पास, गाड़ी खाना चौक के पास, तो उस फ्लैट में तो 6 महीने से यह रह रहा था। लेकिन उससे पहले जो घपले घोटाले हो रहे थे, जो रकम रिश्वत में ली जा रही थी, तो उन रकमों को कहाँ खपाया जा रहा था। और क्या लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पैसों को खपाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लिंक एक नेता से जुड़ता है, एक मंत्री से जुड़ता है, तो बड़ा हो जाता है कि आखिर विधायक दल के नेता भी कांग्रेस के आलमगीर आलम है। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो मंत्री सूबे में ग्रामीण विकास विभाग में ही और बड़े पैमाने पर इस विभाग में भ्रष्टाचार हो रहे थे, तो क्या इसका कुछ हिस्सा मंत्री तक भी पहुंचता था। तो इसका सवाल का जवाब अब जहांगीर और जो मंत्री के पीएस है संजीव लाल वो देंगे। लेकिन जो जानकारी है कि जैसे ही जैसे उनसे पूछताछ चल रही है तो कई सवालों का जवाब दे रहे हैं, कई सवालों में फंस जा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। लेकिन ईडी की जाँच जिस तरह से चलती है तो तमाम चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश करती है और कड़ी दर कड़ी तमाम चीज़ों को जोड़ती है। तो अब देखना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और कहां होती है, और क्या कोई अधिकारी तक इसकी जांच की आज पहुंचती है, या फिर मंत्री आलमगीर आलम भी ईडी की लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 6 दिनों की पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ के दौरान कई और लोगों को समन ईडी की ओर से किया जा सकता है और उन्हें तलब किया जाएगा ईडी दफ्तर, और उसके बाद झारखंड में बड़ी कार्रवाई ईडी की दिख सकती है। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहेगा अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।